हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग. दिस इज़ रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर. आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. IBPS क्लर्क की जब से नोटिफिकेशन के बारे में स्टूडेंट्स को पता चला है, एक अलग ही चहल पहल और एक अलग खुशी के साथ स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स. यानी कि अगर अभी तक कोई 6 घंटे पढ़ रहा था तो अब 8 या 10 घंटे तैयारी इस तरह से बच्चों ने शुरू कर दी है, क्योंकि ये है कॉम्पिटिशन. और कॉम्पिटिशन में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे. किसी को पीछे करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही पीछे हो जाएंगे, राइट? तो कॉम्पिटिशन में अपना बेस्ट देना होता है. कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बेहतर ना कर रहे, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? ऐसा करने से तो आप पीछे रह जाएंगे. तो आपको इस ये जो एक डर बना रहता है स्टूडेंट्स के अंदर, और इसी की वजह से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, जो कि सबको करने भी चाहिए और करने ही हैं. क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा. बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब है बाकियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा. तो इसी जिद्दोजहद में स्टूडेंट्स जो हैं लगे हुए हैं. और जाहिर सी बात है, नोटिफिकेशन जो आया है, उस नोटिफिकेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए जाननी ज़रूरी हैं. जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं. आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ जिक्र करना चाहूँगी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ का. एक प्रॉपर डिटेल्ड मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें हर एक स्टेट में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं या फिर ओवरऑल टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, इन सब बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे. तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं. इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़, जेनरिक सेशंस और साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस के लिए आप सभी को अड्डा 24/7 का जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है. और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के ऐप में ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम के हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, तो आप सभी इनका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं हम लोग यहाँ से अपने सेशन की. आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. ये है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप. आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ. आप इस कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद रूपम चिकारा, राइट? आप इसमें जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो. टॉकिंग अबाउट IBPS, IBPS का जो अभी फॉर्म फिलिंग है वो 1st of July यानी कि आज से ही शुरू हो चुकी है और 21st of July तक रहने वाली है. इसके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में अगर मैं छोटा सा डिस्कशन अगर आप लोगों से करूं, तो 28th of August को फर्स्ट एग्ज़ाम है एज़ पर दी नोटिफिकेशन, ऑलराइट? और उसके बाद फिर 3rd और 4th को इसका एग्ज़ाम है. 3rd और 4th September को इसका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है? वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर शुरुआत करूँगी मैं आप लोगों से डिस्कस करने की. और साथ ही साथ ये देखिएगा, मैंने पूरा स्टेट वाइज और यहाँ पर कैटेगरी वाइज और ओवरऑल कितनी वैकेंसीज हैं वो सारा डिस्कशन मैं यहाँ पर आप सभी के साथ लेकर जुड़ चुकी हूँ. ये सारे के सारे स्टेट्स के बारे में यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी. तो चलिए बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं. आगे बढ़ने से पहले कुछ डाउट्स आपके ज़रूर आएंगे, मैं उनको ज़रा यहाँ पर आपके साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ. कई बच्चों के डाउट्स ये आने वाले हैं, मुझे पता है, कि मैडम ज़रा ये बताओ कि क्या मैं 2 स्टेट से फॉर्म फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं. मैम क्या मैं किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं. बट आपको LPT क्लियर करना होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशंसी टेस्ट आपको देना होगा. उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी लैंग्वेजेस हैं, आपको उन लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशंसी होनी चाहिए, यानी कि आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए. आप बोल सकते हैं उस लैंग्वेज को, अगर आप समझ सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप इंडिया में किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट? इट्स ऑल अप टू यू guys, right? So yeah, let's get started. So शुरुआत कर लेते हैं अंडमान निकोबार से. SC ST OBC और EWS के लिए कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है. सिर्फ आपका जनरल के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 4 वैकेंसीज अंडमान निकोबार में हैं. टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, 11 वैकेंसीज हैं SC के लिए, 7 for ST, 32 फॉर OBC, 19 फॉर EWS एंड 140 फॉर जनरल. यानी कि ओवरऑल 209 वैकेंसीज जो हैं वो आपका आंध्र प्रदेश में हैं. आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में. तो ST के लिए कोई नहीं है, SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ST के लिए हैं 6 वैकेंसीज, OBC के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है और 1 वैकेंसी है EWS के लिए और 7 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए. टोटल हो गई 14, ठीक है? असम के बारे में बात करें तो 11 फॉर एससी,
17 for ST, 42 for OBC, 15 for EWS and 72 for General, ठीक है, और total है 157. बिहार के बारे में बात करें तो 43 वैकेंसीज हैं आपकी SC की, ठीक है, 3 वैकेंसीज हैं ST की, 73 OBC, 26 हैं EWS और 136 हैं जनरल और 281 टोटल इनके ओवरऑल वैकेंसीज हैं बिहार में. स्टेट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार सही बच्चे बने रहें और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें. टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो 0 वैकेंसी हैं SC और ST के लिए, 3 वैकेंसी हैं OBC के लिए, इधर भी 0 है. टोटल है ओवरऑल आपका जनरल के लिए है 9 वैकेंसीज, ठीक है, ओवरऑल 12 है ओवरऑल, ठीक है. छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो 10 है फॉर ST SC और 29 है ST के लिए, 5 है आपका OBC के लिए और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं EWS के लिए है 9. 51 वैकेंसीज यहाँ पर आपको दी गई हैं, आप देख सकते हैं जनरल के लिए. टोटल ओवरऑल है आपका 104. अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप ये देख सकते हैं टोटल ओवरऑल वैकेंसीज जो हैं वो ये हैं, ठीक है. तो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगी कि आप जिस भी लैंग्वेज अगर आपको आती है पर्टिकुलर जगह की, तो अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कहीं से फिल कर दीजिएगा, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा दो. बट यस, जहां मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वहां पर स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और सब वहीं पर फॉर्म फिल करने लग जाते हैं. उसी पर्टिकुलर स्टेट से अगर आपको लैंग्वेज आती है तो सर हिंदी जनरली सभी को आती है, सब लोग हिंदी का, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है. बट अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आप अपनी स्टेट से भी फॉर्म फिल करें, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा. आगे बात कर लेते हैं बाकियों के बारे में. ये आपका SC के लिए है, this one is for ST, this one is for OBC, this one is for EWS और ये आपका जनरल के लिए है एंड दिस इज टोटल, राइट. जो स्टूडेंट्स बाद में देखेंगे उनको भी साफ साफ दिखाई दे जाएगा. सो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल एक ही है, जनरल की एक वैकेंसी बस है, ठीक है. अगर बात करें दिल्ली NCR की तो SC के लिए 45 है, ST के लिए 17 है, 87 है आपका OBC के लिए और 27 है EWS के लिए और आपका जनरल के लिए है 119 यानी के 119, ठीक है. टोटल देखा जाए तो 295 वैकेंसीज यहाँ पर भी हैं. गोवा के बारे में बात करें तो SC के लिए 1, 12 है आपका ST के लिए, 11 है आपका OBC, 4 है आपका EWS और 43 है आपका जनरल के लिए. टोटल देखा जाए तो 71 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, ठीक है. गुजरात में 15 है SC, ये 35 है ST, 100 आपका OBC, 25 EWS, 123 जनरल और टोटल है 304 वैकेंसीज. हरियाणा 21 SC, ये नहीं है, ठीक है, 38 के हैं आपका OBC, ये है सिर्फ EWS है आपका 10 और 69 है आपका जनरल के. टोटल देखा जाए तो 138 वैकेंसीज यहाँ पर होंगी हमारी हरियाणा में, ठीक है. हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो 22 हैं बच्चों यहाँ पर SC के लिए, 2 हैं ST के लिए, 17 हैं यहाँ पर OBC और 7 हैं यहाँ पर EWS, 43 हैं आपका जनरल के लिए और टोटल वैकेंसीज अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैं बच्चों 91. आगे बात करते हैं, आगे अगर हम लोग यहाँ बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में SC, मैं लिख देती हूँ इधर, दिखाई दे रहा है साफ साफ, बिल्कुल, लेट मी राइट इट हियर. ऑलराइट, सो जम्मू एंड कश्मीर में है यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, 35 टोटल वैकेंसीज हैं, 1 SC, 1 ST, 9 आपका OBC, 1 EWS और 23 हैं जनरल. टोटल देखा जाए तो यहाँ पर ये है 35, ठीक है. अब बात करते हैं झारखंड के बारे में. झारखंड में 6 SC, ठीक है, 17 ST, 6 OBC, 5 EWS एंड 35 हैं आपका जनरल, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं और ये आप देख रहे हैं टोटल है 69, ठीक है. टॉकिंग अबाउट कर्नाटका, 50 SC, 22 ST, 89 है आपका OBC, 32 है आपका EWS एंड 165 है आपका 358 टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर है कर्नाटका में, ठीक है. टॉकिंग अबाउट केरला, विजिबल नहीं है मुझे इधर, इसलिए इधर देख रही हूँ मैं. कर्नाटका की बात करें तो 5 आपका SC है, 0 जो है आपका ST में कुछ नहीं है, ठीक है, 11 है आपका OBC, 6 EWS, ये आपका जनरल के लिए है. टोटल देखा जाए तो 70 है, ठीक है. लद्दाख में कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है. टॉकिंग अबाउट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में बात करें
तो ये सब नहीं है, एसटी के लिए सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं और 3 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए, ठीक है, तो ये टोटल 5 हो गई। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो 46 एससी, 71 यहाँ पर एसटी आपको दिखाई दे रही हैं उस वैकेंसीज, 38 फॉर ओबीसी, 28 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 126 इनके ओवरऑल देखा जाए तो 309 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, 81 वैकेंसीज हैं एससी के लिए बच्चों, ठीक है, 72 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एसटी के लिए, 215 है यहाँ पर आपका ओबीसी के लिए, ठीक है, 215 है यहाँ पर ओबीसी के लिए, 73 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 334 है यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए, ठीक है, यानी कि टोटल 775 यानी कि 775 वैकेंसीज हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। आगे बात कर लेते हैं मणिपुर में, सिर्फ जनरल के लिए हैं यहाँ आप देख सकते हैं 4, मैं इधर लिख देती हूँ बच्चों वापस से, इधर एससी है, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये है आपका जनरल एंड दिस वन इज़ फॉर टोटल बेसिकली। नाउ मेघालय में अगर हम लोग बात करें, मेघालय इज़ बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वैकेंसीज हैं आपकी एसटी की, 1 है आपका ईडब्ल्यूएस, 3 है आपका जनरल और टोटल देखा जाए तो 6 वैकेंसीज हैं। वहीं अगर हम मिज़ोरम की बात करें तो सिर्फ जनरल की ही 4 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। वहीं उसके आगे अगर हम लोग बात करें नागालैंड के बारे में तो 1 वैकेंसी आपको यहाँ दिखाई दे रही है एसटी के लिए और 3 वैकेंसीज आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं जनरल के लिए, टोटल देखा जाए तो 4 वैकेंसीज हैं। अगर बात करें उड़ीसा के बारे में तो 23 वैकेंसीज यहाँ पर आप देख पा रहे हो एससी के लिए, 26 हैं एसटी के लिए, 11 है आपका ओबीसी, ठीक है, और 10 यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए है। 56 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपके जनरल के लिए और सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो 126 वैकेंसी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा में। पुडुचेरी के बारे में बात करें तो केवल मात्र 2 हैं आपका जनरल के, टोटल 2 ही हैं, ठीक है। पंजाब के बारे में अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ तो 122 यहाँ एससी के लिए हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है, 83 है आपका ओबीसी, बाबा मैं ओडब्ल्यूसी बोल रही हूँ, ओबीसी के लिए, जनरल के भी ईडब्ल्यूएस के लिए अगर देखें तो यहाँ पर आपका 39 है और 163 यहाँ जनरल के लिए, यानी कि टोटल 407 वैकेंसीज हैं। राजस्थान में भी काफ़ी अच्छा देख रहे हैं आप लोग, 23 हैं, 13 हैं इधर, ये आपका 20 है, ये 9 है आपका ईडब्ल्यूएस और आप 63 और टोटल देखा जाए तो 123, ठीक है। आगे बात करते हैं सिक्किम के बारे में, अगर बात करें लेट मी जस्ट राइट इट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल एंड दिस वन इज़ द टोटल, राइट, ओके। सो अगर बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में तो 56 है आपका एससी, सॉरी सिक्किम इधर हमने स्किप कर दिया, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, ठीक है, 7 ये हैं, टोटल 11 है, ठीक है बच्चों। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो 56 हैं, 3 है आपका एसटी, 53 ओबीसी, 26 CWS, 150 जनरल और टोटल 288 हैं, ठीक है। तेलंगाना के बारे में बात करें तो 17 है SC, ये सब नहीं है, ठीक है, EWS में 6 वैकेंसीज आपको दी गई हैं कैटेगरी के लिए, 76 जनरल कैटेगरी, टोटल 99 है। इसके बाद देखा जाए तो त्रिपुरा में 3 है आपका SC के लिए, 5 है ST के लिए और 2 आपका EWS, 7 वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 17 है, ठीक है, 7 वैकेंसीज हैं जनरल के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे भारी मात्रा में वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, 218 हैं एससी के लिए, ठीक है, 218 हैं एससी के लिए, 11 हैं एसटी के लिए, 315 हैं ओबीसी के लिए, ठीक है, 106 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए और 439 आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जनरल के लिए। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1000 यानी कि 1089, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो 3 है एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 13 है, सॉरी जनरल के 13 हैं, टोटल 19 है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के लिए 117 है एससी के लिए, 23 हैं एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 118, 50 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 220 हैं जनरल के लिए और ये है आपका 528, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने सारा कैटेगरी वाइज टोटल भी आप लोगों को दिखा दिया है। टोटल वैकेंसीज एससी के लिए हैं आप देख सकते हैं 951, एसटी के लिए हैं 400 और 1379 आप देख सकते हैं, ये है आपका ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए है 538 और ये 2767 है आपका जनरल के लिए और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं
इतनी है, ठीक हो गई बात, क्लियर हुआ, ये आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया कि हमारी टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, स्टेट वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज़ का। तो अगर आप सभी को ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी करते रहेंगे साथ साथ। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर क्या है कि एक गाइडेंस के लिए कुछ ना कुछ नीड हेल्प ज़रूर होती है, हेल्प की नीड मतलब ज़रूर होती है बच्चों को। तो अगर आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर भटकना नहीं चाहते और सही ऑथेंटिक कॉन्टेंट के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा बैच है जो कि शुरुआत जिसकी हो रही है 8th of July से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, आप सभी को इसमें ज़रूर जुड़ जाना है, इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आप सभी को डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ अडर 24/7 का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है बैंक महापैक। बैंक महापैक पर आप सभी को डिस्काउंट अभी मिल रहा है, डबल वैलिडिटी चल रही है, आज रात 12 बजे से पहले पहले आप सभी को इसमें एनरोल ज़रूर कर लेना है क्योंकि ये मौका सिर्फ 12 बजे तक ही रहने वाला है। इसमें है क्या, आप लोग को सिर्फ 6 महीने का अमाउंट पे करना है और 6 महीने का एक्सेस आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैम आप हमें बैंक महापैक लेने के लिए कह क्यों रही हैं, इसमें आखिर आता क्या कुछ है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी आपके बैंक एग्जाम्स होते हैं, ठीक है बच्चों, जितने भी आपके बैंक एग्जाम्स होते हैं वो सारे बैंक एग्जाम्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बैंक महापैक में मिलते हैं अलॉन्ग विद एवरीथिंग यू नीड। फाउंडेशन आपको चाहिए, फाउंडेशन मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को टेस्ट बुक्स चाहिए, आप लोगों को वो भी मिलेंगी, आप लोगों को रेस्पेक्टिव एग्जाम के लिए कोर्सेज चाहिए वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, इट हैज़ एवरीथिंग, ठीक है। आप यहाँ इस तरह से अडर 24/7 की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, ये देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है डबल वैलिडिटी, यानी कि आपको सिर्फ मात्र 6 महीने का अमाउंट पे करना है, 6 महीने का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा, और आप अगर 12 महीने का अमाउंट पे करेंगे तो 12 महीने का एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये इस प्रोडक्ट की थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। प्रोडक्ट में हर एक वो एग्जाम है बैंक का जो आप क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, IPS क्लर्क की बात करें या PO की बात करें, SBI क्लर्क या SBI PO या LIC या कोई भी ऐसा एग्जाम जो आप क्रैक करना चाहते हैं, सब कुछ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, प्री मेंस और इंटरव्यू तक जिन एग्जाम्स में इंटरव्यू, सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हमारे रनिंग बैचेस हैं जो यहाँ इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जैसे आशीष सर का आपका वॉरियर भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रैंकर्स आपको यहाँ दिख रहा है, तो बहुत कुछ है। अब इसमें एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर एक कोड लगाना है आप सभी को, जहाँ पर लिखा गया एंटर कूपन कोड, यहाँ पर जाकर आप सभी को एक कूपन कोड लगा देना है जो कि है आपका Y406। Y406 कोड का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड देयर यू विल सी द डिफरेंस इन द अमाउंट, ठीक है। इस तरह से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखूंगी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू वॉच मी लाइव एवरी डे और एट 9 PM। थैंक यू।